क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमय दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रोरन पंडित यूट्यूब चैनल के साथ। क्या आपको आपकी सही राशि पता है? मेरी कई क्लाइंट से बात होती है, वो अक्सर ये कहते हैं कि काफी टाइम से एक राशि को फॉलो कर रहे हैं, उसकी रेमेडीज कर रहे हैं, बट कोई लाभ नहीं मिल रहा। जैसी लाइफ पहले थी वैसी आज भी है। सो आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जिनको राशि कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे पता की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट राशि के क्या यूजेस होते हैं के बारे में जानकारी नहीं, और इसी के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में मुख्य तौर पे हम बात करने वाले हैं कि राशि होती क्या है, एक्चुअली क्या सिग्निफाई करता है ये, क्यों ये इंपॉर्टेंस रखती है। सेकेंड थिंग हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स की होती हैं, कितने अलग अलग तरह की राशियाँ होती हैं। थर्ड पार्ट में हम ये बात करेंगे कि क्या आपको अपनी असली राशि पता है और कैसे आप अपनी ठीक राशि जोडियक साइन पता कर सकते हैं। राशि क्या होती है इसकी कहानी बहुत साल पुराने है, जब एस्ट्रोलॉजी जन्म ले रही थी। उस समय जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो बताना चाहें कि अभी इस समय करंट टाइम में कौन सा प्लेनेट किस पोजीशन पे है, कहाँ है, ये समझाएं कैसे किसी को। ले सपोज आपका कोई दोस्त है, आपके शहर में आता है, दिल्ली जाता है, एक एग्जांपल लेते हैं हाइपोथेटिकल, दिल्ली जाके वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है कि मैं पहुँच गया हूँ, मुझे यहाँ से पिक कर लो। उसके दोस्त तुरंत क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पहुँच गए हो, किस जगह पर हो, कहाँ लेने आऊँ मैं तुम्हें। फिर रिवर्ट में वो पहला आदमी कहेगा कि मैं दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे गेट नंबर 4 पे खड़ा हूँ या गेट नंबर 3 पे खड़ा हूँ, कुछ भी। इमिडिएटली पहला दोस्त समझ जाएगा कि हाँ अब मुझे कहाँ जाकर इसको पिक करना है। सेम यही लॉजिक यहाँ पर लगाइए कि किस समय शनि प्लेनेट कहाँ पर है, मार्स कहाँ पर है, जुपिटर कहाँ पर है। मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो कैसे समझाऊँ, कोई लोकेशन होनी चाहिए ना। अब लोकेशन के लिए पहले कोई क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए। तो एक मोटा मोटा सोलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो बीच में है और बाकी सारे ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो जब एस्ट्रोलॉजर्स को ये डिफाइन करना हुआ कि कौन सा प्लेनेट कहाँ पर है, तो उन्होंने क्या किया, ये जो हमारा पूरा पाथ है ना, सूर्य को केंद्र मानते हुए, सेंटर मानते हुए, इनको उन्होंने 12 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट को एक राशि का नाम दे दिया, एक जोडियाक साइन का नाम दे दिया, जैसे कि मेष, उसके बाद वृषभ, फिर मिथुन, ऐसे करके पूरा कुंभ से लेकर मीन तक 12 बराबर भागों में डिवाइड किया। अब जब कभी किसी को बताना होता था कि XYZ के यहाँ लड़के का जन्म हुआ है, प्लेनेट की पोजीशन जरा देख लो, तो एस्ट्रोलॉजर कहते थे कि शनि बैठा हुआ है मेष राशि में, जुपिटर बैठा हुआ है मिथुन राशि में, यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, शनि यहाँ है, जुपिटर यहाँ है। ओके, इस तरह से राशियों का जन्म हुआ। अब कितने प्रकार की होती है ये राशि? सबसे पहले जो प्रकार सामने आता है वो होती है नाम राशि, यानी कि आपके नाम के जो पहले लेटर होते हैं, पहले अक्षर होते हैं, इनके हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है कि आपकी राशि क्या है। और ये सबसे कॉमन तरीका है, सबसे आसानी से आपकी राशि को पता करने वाला तरीका है, बट इसकी कुछ खामियां हैं। कैसे? आप स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में हर राशि के सामने कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। आपका नाम अगर उस अक्षर से, उस स्पेलिंग से स्टार्ट होता है तो वो आपकी राशि मान ली जाती है। लेकिन लेट्स सपोज बचपन में मेरा नाम सुरेश था तो मेरी कोई और राशि थी। जैसे बड़ा हुआ मैंने सोचा कि सुरेश नाम अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे माइकल जैक्सन रखना है अपना नाम। मैंने अपना नाम माइकल रख लिया। अब माइकल रख लिया तो मेरी राशि बदल गई, पर क्या मेरा भाग्य बदलेगा? नहीं। तो ये इस सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि नाम बदल लिया तो राशि बदल जाती है। और ये चीज़ उन लोगों के लिए होती है जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल नहीं पता है। आपके घर में भी आपके पेरेंट्स होंगे या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं पता है। तो अब इन लोगों को अगर गाइड करना हो, मेंटर करना हो, तो इनके लिए नाम राशि यूजफुल होती है, क्योंकि इनको अपनी बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस कुछ नहीं पता होता है। सो ये सिस्टम उनके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट सिस्टम आता है सनसाइन का, जिसे हिंदी में सूर्य राशि कहते हैं। ये पूरा सिस्टम डेवलप किया गया है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा। बहुत सिंपल सा सिस्टम है, एक डेट से दूसरे डेट के बीच में जो भी पैदा हुआ है उसको एक राशि दे दी गई। पूरा चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेष से लेकर मीन तक 12 महीनों को डिवाइड कर दिया गया कि इस पार्ट में अगर आपका जन्म हुआ है महीने के, तो आपकी ये राशि है, इसमें हुआ है तो दूसरी राशि है। अब ये पूरा सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा डेवलप किया गया है, क्योंकि वहाँ पर बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, कुंडली बनाओ, लग्न चार्ट क्रिएट करो, इतना सारा तामझाम नहीं होता है। सिंपल डेट ऑफ बर्थ पता है आपको, तो आप अपने साइन पता लो। इस सिस्टम का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये आपके बिहेवियर को बता देगा। ये यहाँ पे जो जोडियक साइन है, ये बहुत हद तक बता देंगे कि आप हुए कैसे, आप सोचते कैसा है, आपकी इच्छाएं कैसी हैं।
पर जब बात आती है कि फ्यूचर प्रिडिक्शन की, तो ये वहां पर मात खा जाता है। तो सूर्य राशि या फिर सन साइन, सन जोडियक साइन जो भी होता है वो ये होता है, और इसका ड्रॉबैक मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं थर्ड काइंड ऑफ राशि की, और उसे बोलते हैं मून साइन या फिर चंद्र राशि। बहुत सिंपल सा मतलब है, आपका जन्म जब भी हुआ उस समय जो चंद्रमा था वो घूमते घूमते किस राशि में रुका हुआ था, आपके बर्थ के टाइम पे चंद्रमा किस राशि में मौजूद था वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। अब ये चीज पता कैसे चलती है, जैसे कि नाम राशि नाम के पहले लेटर से, सूर्य सनशाइन आप सूर्य राशि आपकी डेट ऑफ बर्थ से, और जो मून शाइन होती है ये पता चलती है मून की पोजीशन पे। बट हम में से हर किसी को अपनी मून की पोजीशन नहीं पता है, इसलिए यहाँ पर वैदिक कुंडली जो बनाई जाती है आपकी, उसमें आपका हर प्लेनेट आपके जन्म के समय कहाँ मौजूद था मेंशन होता है, और वहीं पर मेंशन होती है आपकी चंद्र राशि। चंद्र राशि जितने भी ड्रॉबैक हमारे पुराने सिस्टम्स में या दूसरी राशियों में थे, उस सिस्टम में थे, उनको खत्म करता है। चंद्र राशि आपके बिहेवियर के बारे में, आपकी सोच के बारे में बहुत हद तक बताता है। इवन ये भी बताती है चंद्र राशि कि आप देखने के कैसे होंगे, बहुत ज़्यादा बिल्ड अच्छा होगा या दुबले पतले होंगे, सुंदर होंगे या फिर आपका रंग थोड़ा हल्का होगा, थोड़ा धीमा होगा, बहुत गोरे होंगे, नाक लंबी होगी, नाक पतली होगी, गला बड़ा होगा छोटा, बहुत कुछ बताती है चंद्र राशि आपके बारे में। और यही चंद्र राशि बेसिस बनती है आपकी लग्न कुंडली बनाने का। आपने कुंडली देखी है ना, खाने बने होते हैं उसमें 12 खाने बने होते हैं, 12 राशियों को डिनोट कर रहे होते हैं, और हर खाने में, हर किसी न किसी खाने में प्लैनेट्स के नाम लिखे होते हैं। उसका यही मतलब होता है कि किस राशि में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ था आपके जन्म के समय में। चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ था वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है, और ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होती है जब आपकी कुंडली बनाई जाती है और जब आपकी आगे की भविष्य की प्रिडिक्शन करनी होती है। ओके, तो इस तरह के तीन सिस्टम हैं। अब आप इसमें से कौन सा फॉलो करें, यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि तीनों जो सिस्टम बनाए गए हैं ये अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाए गए हैं। किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम कुछ नहीं पता, उसके लिए नाम वाला काम आएगा। किसी को अपना डेट ऑफ बर्थ पता है पर बर्थ टाइम में कन्फ्यूज़न है, तो उसको सनशाइन काम आएगा। जिसको अपना सब कुछ पता है उसके लिए मून शाइन होता है। अब इस ज़रूरत को समझते हुए बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो इन सभी सिस्टमों में किसी न किसी पर काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं पर्सनली मून शाइन में काम करता हूँ, क्योंकि मेरा काम है प्रिडिक्शन करने का, आपके आगे का फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको आपको बताकर आपको गाइड करने का। इसलिए मेरी इंस्टाग्राम में भी जितनी प्रिडिक्शंस डेली की जाती हैं, या फिर मेरी प्रिडिक्शन जो न्यूज़पेपर्स में छपती हैं और बहुत नामी गिरामी वेबसाइट्स हैं उनमें भी जाती है, वो चंद्र राशि से होती है। तो अगर आप मेरी प्रिडिक्शन देख रहे हैं तो अपनी चंद्र राशि को फॉलो करिए। बहुत से एस्ट्रोलॉजर सनशाइन के थ्रू आपकी प्रिडिक्शन बताते हैं, उस समय आप उसको देखिए। अगर आपको कुछ डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं पता है तो अपनी नाम राशि को से अपना प्रेडिक्शन आप देख सकते हैं। तो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर अलग अलग सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो पहले उस सिस्टम को समझिए, उसके बाद अपनी राशि को उसमें ढूंढिए। सो आई होप इस वीडियो के बाद काफ़ी आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और इसी तरह के एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़े वीडियोज पाने के लिए एस्ट्रो रूम पंडित यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।